हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम में कितनी प्लेट लगी होती है सोलर की। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में 6 पैनल होती हैं, 1, 2, 3 और जो नीचे है 3, टोटल 6 पैनल होती है। अभी मैं आपको पैनल के ऊपर की डिटेल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये पीवी पावर टेक है जो मेड इन इंडिया है और इसका शॉर्ट सर्किट करंट 9 एम्पियर और ओपन सर्किट वोल्टेज 45 वोल्ट है। आप देख सकते हैं इन सभी पैनल को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एंटीना लगाया हुआ है वो अर्थिंग का है। अर्थिंग का आप देख सकते हैं, ये अर्थिंग है। सोलर पैनल में 3 अर्थिंग की जाती है, टोटल 3 अर्थिंग। और जो यहाँ से वायर आ रहा है, ये वायर है वो अर्थिंग में जा रहा है और दूसरे वायर आ रहे हैं सभी। यहाँ पे MCB लगाई हुई है सभी DC पावर की और ये इन्वर्टर है। देख सकते हैं इन्वर्टर जो DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है। एक इस मीटर में अर्थिंग लगा हुआ है और 2 अर्थिंग जो सोलर में लगा हुआ था, एक सोलर पैनल में लगा हुआ था और दूसरा सोलर स्टैंड में लगा हुआ था। और उसके पास में AC MCB लगी हुई है और इसमें से जो पाइप जाता है वो GB के मीटर में जाता है और उस मीटर में से GB में जाता है। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कितना यूनिट बना है आज का। अभी हम इस बटन को प्रेस करेंगे, आज का दिखा रहा है 2.23 किलोवाट दिखा रहा है। आज का इतना ही बना है, सुबह को ये 6:30 के आसपास चालू हो जाता है, वोल्टेज और एम्पियर करंट सब कुछ बनाने लगता है और रात को 7:30 बजे के आसपास ये इन्वर्टर कट होता है। इतनी देर तक ये पावर प्रोड्यूस करता है। आप इसमें सिम लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में कितना यूनिट बन रहा है। ये वाईफाई की डोंगल है, देख लीजिए। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।